शादी क्या बन जाए। लेकिन आरुषि ने ऐसा क्यों किया? माना कि अमन से उसकी शादी टूट गई थी, लेकिन उसने शक्ति से शादी क्यों की? उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि जिसके चलते उसने बेहुदे और बदमाश इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया? ऐसा उल्टा सुल्टा काय कह रहे हो? हाँ, इसमें शक्ति भाई का क्या दोष है? अब हम जो उन बात कहने जाएंगे ना, वो तुम लोगों को छू लेगी, लेकिन इतना हम जरूर बोलेंगे कि तुम लोग अपना दोस्त ना दूसरों के मत्थे मर देते हो। बाकी ये मामला तो एकदम साफ है यार। ये जो प्रतिज्ञा ने जो उन अरुसिया के साथ किया ना, उसके बाद उसकी जिंदगी और इज्जत बचाने वाला कौन था? शक्ति भाई ना। और तुम लोग उको ही गलत कह रहे हो। देखो बेटा, अब किसी को सही या गलत कहने का कोई मतलब नहीं रहा। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि आरुषि की शादी टूट गई है। हमने ऐसा क्या किया है प्रतिज्ञा के साथ जो उसने बेबुनियाद आरोप लगाकर ये शादी तुड़वा दी? यही बात तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही है माँ, कि हमारी बेटियों की परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि हमारी शिक्षा और संस्कार की बलि चढ़ाकर सारे समाज के सामने ऐसा कर दिया। लोगों की सवाल करती आंखों का सामना करने में भी अब शर्मिंदगी और जलालत महसूस होती है। प्रोफेसर श्याम सक्सेना अपने ही उसूलों के सामने, अपने ही परिवार की वजह से आज घुटने टेकता नजर आ रहा है। अरे मम्मी कहाँ है? मम्मी दिखाई नहीं दे रही। अरे कौनो कब से कुछ खाया नहीं है, और सबका ध्यान तो सासू अम्मा ही रखेगी ना, होगी खाना बना रही होगी और का। अरे तो किसको भूख लगी है जो खाना बना रही होगी? यहाँ तो पहले ही इतना कुछ हो गया है कि उसी से पेट भर गया हमारा। Yeah.
कुछ भी हो उसे भूल जाइए। अब उसे याद करके हमें अपने मन को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। शायद हमारी और आरुषि की किस्मत में यही लिखा था, घाव रहेंगे दर्द तो होगी ही ना। आप जितनी जल्दी हो सके हमें इस बात को हमारे मन से मिटा देना चाहिए, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। हम ये खीर बना के लाए। सबको खानी पड़ेगी, हमने बहुत प्यार से बनाई। बहू कैसी बातें कर रही हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? आज हमने अपना सब कुछ खो दिया है और इतनी बर्बादी में तुम हमें खीर खिला रही हो। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हमने सब कुछ खो दिया है, हमने अपनी बेटियां खो दी, अपनी इज्जत खो दी, अपना नाम खो दिया है। पर आप बताइए, हमारे इस तरह रोने से हमारी इज्जत वापस आ जाएगी? आपको लगता है कि इतना रोकने के बाद जब आरुषि ने अपनी मर्जी की अब वो हमारे पास वापस आएगी? बस आप इतना जान लीजिए, हम जो कह रहे हैं जो कर रहे हैं वो सही है। आप ये खीर खा लीजिए और सो जाइए। मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं, ये मौका खीर खाने का नहीं है। आपको क्या हो गया है? हमें जो हो गया है वो तुम्हें क्यों नहीं होता? जब हमने कह दिया कि सबको एक खीर खानी है तो तुम्हें भी खानी पड़ेगी। वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई जब आप सब मातम मना रहे। आरुषि ही हमें छोड़ के गई है ना, कोई मर तो नहीं गया ना? ये खीर सबको खानी है, ये खीर सब खाएंगे। मैं कोई क्यों नहीं समझ रहा? हम बात को समझ रहे हैं लेकिन आप लोग हमें नहीं समझ रहे। अच्छा अच्छा मम्मी आप प्लीज रोइए मत, हम खा रहे हैं खीर, आप प्लीज मत रोइए। क्या है? हम पूछ रहे हैं कि इस खीर में क्या है? इसमें मत बताइए, अब हम खुद उस खीर को खाकर देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या है हम खुद देखते हैं। हमने
बस बंद करो, चुप करो, बंद करो अपनी बेकार की बातें ये। अरे जिसने हमारा नाम मिट्टी में मिलाया उसके लिए हम मरेंगे? हम नहीं, कभी नहीं, बल्कि वो हमारे लिए मर चुकी है। अब हमें उसका अंतिम क्रिया करना है। बल्कि हम उसका श्राद्ध करेंगे। श्राद्ध।